हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी देखो नहा धो के सारे घर का जितना भी काम आता है पूरा कर लिया। और आज है संडे, संडे के दिन बहुत ही काम हो गया। और सुबह का टाइम है, अभी 9 बज चुके हैं, 9:30 बज चुके हैं टाइम। तो अभी ना मैं पूजा भी कर लिया। और देखो मेरा हाथ, इतना सारा कपड़ा धोई हूँ, दिखाऊंगी आप लोग को कितना सारा कपड़ा धोया है। और देखो पूजा कर लिया और व्यू सच के ऊपर से कपड़ा आ गई है। मेरा मम्मी भी हेल्प किया, देखो दोनों हाथ ना पास पास से सिल गया। तो अभी व्यू सच के ऊपर कपड़ा, कुछ मोटा वाला जो कपड़ा है, ज़्यादा भारी वाला ऊपर में डाल दिया और नीचे में हल्का वाला डालेंगे। तो यहाँ पे तार भी चोटी बना दिया, ये तो चोटी भी बना दिया। और इनको पापा ये मांग रहा है, ये जरूरत है, इसको क्या बोलते हैं, टेप पता नहीं, टेप टेप भी नहीं है, वो टेप भी नहीं है, अलग कुछ है और है पता नहीं। तो ये जरूरत है तो लेके जा रही हूँ। और रियो पकड़ लिया मोबाइल। तो गाइस देखो बाहर अंगन आ गई है और यू के पापा यहाँ पे गाड़ी का जो देखो मेरे हाथ में है ये स्टील का है, ये छूट गया तो इसको अच्छे से मतलब लगाना है। कैसे लगाएगा रुको, पापा लगाएगा अभी। और उसके बाद देखो ये टायर भी रुक के पापा ना नया वाला लेके आए और ये लगा रहा है एक्चुअली चेंज करके। और उसके बाद अभी ना ये कपड़ा डालना है तो मैं वेट किया क्योंकि ये तार ना एकदम लूज हो गया तो इसको बनाना है। तो रुको पापा ऊपर में डाल दिया और बाकी कपड़ा, चलिए कपड़े को डाल देते हैं। फिर इतना छोटा है अभी कपड़ा और ज़्यादा बहुत सारा धोई हूँ और ट्रियो सत के ऊपर डाल दिया क्योंकि मेरा हाथ भी जल रहा था इसलिए। और इतना जितना भी बचा हुआ है कपड़ा मैं इतना सामने घर के सामने ही डाल दूँगी। और अभी कितना धूप है तो ऊपर में इतना कपड़ा देंगे तो ख़राब हो जाता है, जल जाता है। उसके बाद आ चुकी हूँ किचन। तो देखो यहाँ पर रोटी बना रही हूँ और चाय, दोनों चाय, तो चाय और रोटी बनाएंगे क्योंकि जल्दी जल्दी बनाएंगे दोनों, बना के खा के फिर रियू को ना गान म्यूजिक क्लास है ना वहीं पे छोड़ने जाना पड़ेगा। अचानक ही मतलब मैसेज आया तो बस जैसा मतलब हम लोग काम करने का एक तरीका था लगी सोची थी ऐसे करेंगे तो सब बिगड़ गया कि जल्दी फटाफट करने से कैसा होता है। तो फटाफट चाय बनाया और रोटी खाए, उसके बाद रियू को छोड़ने जाएंगे और छोड़ के आएंगे तब दोपहर का खाना बनाएंगे। रियू के पापा भी जाएगा, मैं भी जाऊंगी, वहाँ पे थोड़ा सा काम है तो मैं भी साथ में चले जाऊंगी और सभी जाएंगे, रुपेश भी जाएंगे, सब जाएंगे और अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। और ज़्यादा दूर नहीं, पास में है। और उसके बाद दोपहर का तैयारी करनी है तो क्या करने वाली हूँ आप लोग बने रहे एंड तक जरूर देखिए। और चाय मेरा रेडी हो चुकी है, आप लोग भी ज़रूर खा लीजिएगा जल्दी। देखो जल्दी में ऐसा ही होता है, जल्दी का काम बिगड़ जाता है, ऐसा होता है। तो गाइस मेरा रोटी कॉम्प्लीट बना लिया, चाय एकदम फटाफट हो चुके हैं, अब जल्दी जल्दी खाएंगे। और ये बिस्किट कुछ ऐसा है, खुला वाला बिस्किट फ्रिज में रखा हुआ है वही खाएंगे। ये वाला देखो पहले खोल के रखा था तो जो पैकेट वाला है वैसे ही रख दिया हूँ, अब बाद में खाएंगे वो वाला। और बस अभी फटाफट खा के फिर जल्दी जाना है, जल्दी में हूँ थोड़ा। और ये देखो मिठाई भी है इसमें, तो यहाँ पे नीचे बैठ के रियू को पापा और मैं दोनों खा लूँगी। और रियू ले गया टेबल में और मेरा हाथ ना बहुत ही जल रहा है, मेरे तकलीफ़ होने से भी मैं नहीं दिखाती हूँ, मेरा अंदर में ही रहता है जैसे कि जल रहा है। हंस के काम कर रही हूँ ऐसे सोचो कि मैं कितना खुश रहती हूँ, मैं नहीं दिखाती हूँ। अरे मिठाई है, मार्केट से लेके आया था पहले ही, तो बस अभी बैठ के खाएँगे सेव बूंदी। और यहाँ पे सब नाश्ता है नीचे ही बैठ के खाएंगे रियू को पापा और मैं, और फिर चलेंगे जल्दी जल्दी रियू को छोड़ने। और रियू बोलिए मम्मी एक 10 मिनट अगर लेट हो जाए तो समझो, ऐसे मतलब सोचो क्या होगा ऐसे करके। और रियू को छोड़ के मैंने रियू को पापा मैं आ गई हूँ, रुपीज भी मेरे साथ आ चुके हैं। और देखो मेरा पापा, मैं देख रही थी कि मेरा पापा कितना लंबा हो गया मेरे से। और तो गाइस अभी जाएंगे हम लोग का खेती में और पापा जी को सुत्ता पकड़ दिया और मैं लेने गई हूँ चक्कू, चक्कू लेके आएंगे और खेती में जाएंगे। अभी गर्मी के टाइम है और
गर्मी के टाइम क्या है खेती में दिखाने वाली हूँ आप लोग को। तो ये देखो यहाँ पे पूरी भाजी है और मेरे पापा ही लगाया था, तो ये बीजा अपने दादी से लेके आया था और लगाया था। आजकल रूपेश ध्यान बिल्कुल ही नहीं देता है, अभी तो रूपेश वीडियो बनाते हैं और अलग ही काम करते हैं आजकल। तो पहले तो मुर्गी का बहुत ध्यान दे रहा था और ये खेती में भी बहुत ध्यान दे रहा था, आप लोग को पता है सभी को, और अभी बिल्कुल नहीं देता है। रूपेश को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा रहता है। और हम लगाते हैं और उनके पापा लगाते हैं, और मेरा पापा अभी ध्यान नहीं देते। मेरा पापा का जैसा होता है ना छोटा से अभी, हाँ अलग ही सोच आ गया, बच्चा ऐसा ही रहता है, अभी अलग ही हो गया रूपेश को, अभी कुछ करना है मम्मी, ऐसा दिमाग में थोड़ा सा आ गया। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा ऐसा ही रहे रूपेश, कुछ सोचे अच्छा ही सोचे, बुरा ना सोचे। और ऐसे खेती बाड़ी पहले बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सोचता था रूपेश, और मैं बहुत तकलीफ में था कि ये खेती घर का। तो अभी तो रूपेश बिल्कुल चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखो ये खट्टा वाला भाजी भी है, और ये खट्टा वाला भाजी भी उठा लूँगी और ये खट्टा वाला भाजी भी बनाऊँगी आज। तो देखो यहाँ पे पूरी भाजी तो काट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी जल्दी हो गया। उसके बाद ये जो खट्टा भाजी है ये थोड़ा सा टाइम लगा है, और पापा जी ने सत्ता पकड़ ली क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा टाइम लगा, बहुत टाइम ही लगा है इसलिए। और गर्मी तो बहुत ही है, बाहर बहुत गर्मी है। उसके बाद मैंने ले के आ चुकी हूँ, और देखो खट्टा भाजी जितना भी हुआ है अपना घर का है और हो भी जाएगा हम लोग को। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ कट, और मेरे पापा जी को से हेल्प किया, और रिहू तो है ही नहीं, रिहू निजी क्लच है, और रूपेश उसके पापा के साथ बात कर रहे थे। और यहाँ पर मेरा खाना बन रहा है, तो ये देखो पूरी भाजी मैंने कट कर लिया, उसके बाद मैं रेडी करके तभी बनाती हूँ ताकि जल्दी हो जाए। और गैस अगर चालू करती हूँ उसके बाद कुछ तैयारी करो तो अलग ही होता है, इसलिए सब रेडी करके बनाती हूँ। और ये सब्जी मैंने चढ़ा दी हूँ, और ये मछली का रस्सा बनाएंगे, और बस थोड़ी टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब तक रिव्यू आ जाएगा तब तक पूरा रेडी हो जाएगा, रिव्यू आएगा तभी खाएंगे। तो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। दोपहर का सब्जी रेडी हो चुके हैं, घर का पूरी भाजी, और ये है मछली रस्सा, मछली का रस्सा तो रेडी हो चुके हैं। और ये खट्टा वाला भाजी अभी भी बनाया नहीं, बनाएंगे अभी। तो चावल भी बन चुके हैं और दोनों सब्जी भी बन गया, तो चलते वो भी बना लेते जल्दी फटाफट। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही है, फिर नया ब्लॉग के साथ मिलेंगे। बाय बाय।